सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय एडमिशन जो है शुरू हो चुके हैं और एडमिशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी जो है आने वाली है। 19 अप्रैल लास्ट डेट है कक्षा एक के लिए आवेदन करने के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों, एमपी कोटा के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। एमपी कोटा से आवेदन कैसे करेंगे, एमपी कोटा क्या है और एमपी कोटा में किसे मिलता है एडमिशन, ये भी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। एमपी कोटा के बारे में शॉर्ट में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in, ये वेबसाइट है, इस पर आप आ जाएंगे। यहाँ से एकेडमिक सेक्शन में आएंगे, एडमिशन गाइडलाइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके स्क्रीन पे ये इस तरह का पेज खुल जाएगा, इनका जो प्रवेश दिशा निर्देशों का जो पेज है, यहाँ आप आ जाएंगे। और केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्रवेश 2021-22 के लिए समय सारणी, और उसी के नीचे प्रवेश दिशा निर्देश 2021-22 का जो आपको नोटिफिकेशन का PDF मिल जाता है। तो इन दोनों को आप ओपन कर लेंगे, समय सारणी यहाँ से देख सकते हैं और दिशा निर्देश सेकंड वाले से देख सकते हैं। तो यहाँ हमने ये जो PDF है दिशा निर्देशों की, ये खोल रखी है। तो दोस्तों, यहाँ इस वाले पॉइंट में आप देख सकते हैं कि इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक माननीय सांसद एक शिक्षा सत्र में प्रवेश हेतु 10 मामलों की अनुशंसा कर सकते हैं, यानी कि 10 बच्चों का वो एडमिशन करा सकते हैं। एक सांसद जो है 10 बच्चों के लिए जो है सिफारिश कर सकता है, और ये जो सिफारिश है ये केवल वो अपने संसदीय क्षेत्र के निवासियों के लिए कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपको इसमें बता देते हैं कि जो सिफारिश होती है, ये सिफारिश कौन कौन करवा सकता है और किन को एडमिशन मिलता है। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि किन को एडमिशन मिलता है और किन की सिफारिश जो है सांसद या MP करा सकते हैं, और जो ये जो प्रवेश हैं वो कैसे होते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रवेश है कक्षा की निर्धारित संख्या के ऊपर होते हैं। अगर एक कक्षा में 40 एडमिशन होते हैं तो जो भी एडमिशन एमपी कोटा के तहत होंगे वो 40 सीटों से ऊपर होंगे, यानी कि एडमिशन इसमें पक्का होता है। अगर एमपी ने सिफारिश कर दी तो एडमिशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। बस आप जो है इन जो केंद्रीय विद्यालय की जो सेवा शर्तें होती हैं, जो एडमिशन से संबंधित जो दिशा निर्देश होते हैं, उन पे आप पूरे खरे उतरने चाहिए, उसके बाद आपको एडमिशन पक्का मिल जाता है। इसके लिए कोई भी मतलब आपको ऐसा नहीं है कि एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसे आप जो है गलफत में नहीं रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो अनुशंसा है वो केवल कक्षा 1-9 तक की जा सकती है, 10वीं 11वीं और 12वीं के लिए अनुशंसा नहीं की जा सकती है। और ये प्रवेश शिक्षा सत्र के प्रारंभ में ही लिए जाते हैं और निर्धारित अंतिम तिथि के बाद कोई प्रवेश नहीं दिया जाता। इसके लिए भी लास्ट डेट एक रखी जाती है, और निर्धारित प्रारूप में जो जो निर्धारित प्रपत्र है अनुशंसा का, उसमें ही जो है ये सिफारिश भेजी जाती है। और माननीय सांसद द्वारा जिस बच्चे के प्रवेश की संस्तुति की गई है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रवेश दिशा निर्देश के अनुसार पात्र होना चाहिए, जैसे कि इसमें दिया हुआ है। अब दोस्तों, आपको बता देते हैं कि जो जैसे कि हमने बताया कि एमपी कोटा से आवेदन कैसे करते हैं और एमपी कोटा में किसे एडमिशन मिलता है, इस बारे में भी आपको बता देते हैं। आवेदन कैसे आपको करना है, आपको आवेदन करने के लिए आपके जो निर्वाचन क्षेत्र है, जो आपका लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, वहाँ के जो आपके MP हैं जो या जो सांसद हैं, उनसे आपको सिफारिश करानी पड़ती है, उनके पास आपको जाना पड़ता है और उनको बताना पड़ता है कि आपको अपने बच्चे का जो है MP कोटा के तहत आवेदन करना है और आप उसके लिए सिफारिश कर दें। तो दोस्तों, सिफारिश अगर आपके जो है MP मान जाते हैं सिफारिश करने के लिए, या फिर उन्होंने अभी तक जब आप उनके पास जाते हैं आवेदन करने के लिए, उस समय तक अगर उन्होंने 10 बच्चों की अनुशंसा या जो सिफारिश नहीं की होती है, अगर वो आपके बच्चे के लिए अनुशंसा करने को तैयार हो जाते हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, जब तक जो आपके MP हैं वो सिफारिश नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। जो सिफारिश पत्र होता है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन के कार्यालय में जाता है, वहाँ से फिर आपको जो है बताया जाएगा कि आपका जो कूपन है एमपी कोटा का जो कूपन है वो लगा हुआ है, आपके जो बच्चे के डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें लेके स्कूल में आ जाइए। इस तरह से दोस्तों आप आवेदन करेंगे। और किन किन का ये एडमिशन हो सकता है, कक्षा 1-9 तक के सभी विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं MP कोटा के तहत, अगर आपके जो MP हैं वो एडमिशन आपकी अनुशंसा करने के लिए मान जाते हैं। तो सभी लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, चाहे सरकारी नौकरी वाले हों चाहे प्राइवेट नौकरी वाले हों, कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। दोस्तों, ये MP कोटा का जो कूपन है, फॉर्मेट है, ये कैसा होता है, तो ऐसे आप देख सकते हैं इस तरह से, केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा विशेष छूट प्रवेश योजना सांसद कोटा का कूपन एक होता है, इस तरह से ये कूपन होता है। ये कूपन जो है ये
MB जो होते हैं उनको दिया जाता है, और इसमें ये विद्यार्थी का नाम लिख लेते हैं और यहाँ माता पिता का नाम लिख लेते हैं, यहाँ कक्षा कौन सी है उसका लिख लेते हैं, और केंद्रीय विद्यालय का नाम लिख लेते हैं कि किस केंद्रीय विद्यालय में ये सिफारिश कर रहे हैं, और यहाँ अभिभावक का मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह लिख लेते हैं, और ये जो अनुशंसा पत्र है इसको वो केंद्रीय विद्यालय संगठन के कार्यालय में भेज देते हैं, और यहाँ से फिर वो बाकी के आगे की जो कार्यवाही है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों इस तरह से जो MP कोटा के तहत जो आवेदन होते हैं इस तरह से उसकी प्रक्रिया होती है, कौन आवेदन कर सकता है, MP कोटा क्या है, ये हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है। और इसी तरह अगर आपका कोई क्वेश्चन है केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।